बच्चों की जा होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। देखिए आप जीवन में कभी जगराता ना करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी जो माँ है ना, आप कभी यदि कहीं जाएं और इस माँ के पैर नहीं छुएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार मम्मी के आप पैर छू लेंगे ना तो जितने भी देवी देवता है ना इन सब का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि एक माँ में ये जो माँ बैठी है ना ये माँ भी इस माँ के अंदर वास करती है। तो जो जो मम्मी से प्यार करते जरा हाथों को उठा के ताली और मिलकर गाए कहे क्या ओ वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है कितनी शीतल है प्यारी प्यारी है ओ माँ। गाइए ओ माँ ओ माँ ओ माँ क्योंकि अगली बात भैया ने कहा था पूरा भजन गाना है इसलिए मैं गा रही हूँ और समय भी कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके भजन सुनाती हूँ। बोली जन्म देने वाली मैया की, बोली सच्चे दरबार की एक माँ, एक बार दो छोटे छोटे बच्चे, रूपा मैया अभी आप भजन सुन लीजिए, एक बार दो छोटे छोटे भाई बिल्कुल छोटे छोटे, तो कहने लगी भैया ये बताओ जब माँ माँ हमको गोद लेती है तो माँ बच्चे को ऐसे गोद ले लेती है, कभी कभी ना ऐसे करके दोनों तरफ माँ ऐसे लेती है, और जब पापा हमको गोद में लेते हैं तो पापा कंधे में बिठाते हैं। अच्छा बताओ भैया ऐसा क्यों है? तो छोटे भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई को बताया कि वो इसलिए है कि माँ इसलिए यहाँ पर बिठाती है कि जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ तक मेरा बेटा देखे, और पापा यहाँ पर इसलिए बिठाते हैं कि जहाँ पर मैं ना देख पाऊँ, जहाँ तक मेरी नजर ना जाए वहाँ तक मेरा बेटा देखे। भाई ताली हो जाए एक बार दोनों हाथ की तालियाँ, बड़ा सुंदर भाव। और मैं आई मिलकर गाए और माँ जी कहे माँ तू कहने लागी है माँ तोरी अखियाँ, तू कहने लागी है माँ तोरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तुमने वारी है ओ माँ ओ माँ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, पापा के लिए मैं बोलती हूँ चार लाइन, बात अच्छी लगे तो पिता के लिए ताली बजाना। कहते हैं पिता से ही प्रतिपल घर में राग बिहाग है, और पिता से ही माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो सारे सपने हैं और पिता है तो सारे बाजार के खिलौने अपने हैं अपने हैं अपने हैं। एक छोटी सी बेटी पापा से कहने लगी पापा सात समंदर पार से, भजन अच्छा लग रहा है तो ताली बजाए, सात समंदर पार से गुड़ियों की बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, लेकिन पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, क्योंकि चंदा ने पूछा तारों से, जरा हाथों को उठा के ताली बजा के, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा। छोटा सा
बच्चा जिसकी माँ गुजर जाती है, तो अपनी माँ की कब्र के पास, देखिए जब तक हमारे पास माँ बाप होते हैं ना, हमको उनकी कदर नहीं होती है। आजकल हर व्यक्ति चाहता है, जो भी अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं वो सोचते हैं कि घर में सास ससुर ना हो। बोली जन्म देने वाली मैया की, एक बार सारे मिलकर बोले, तू इतनी, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है मैया, प्यारी प्यारी है। जरा ताली बजा के, जरा जरा आप लोग भी गाओ, जरा ताली से बजा करके गाओ। परमा जी कहो मैया तेरी तुलना किससे करूं मां, तुम सा और ना कोई, जब टूटा मेरा खिलौना, सबसे पहले मरोई माँ तेरी तुलना किससे करूँगा, तुमसा और ना कोई। और बोली जन्म देने वाली मैया की, बोली पालनहार पिता की, सुनिए। अच्छा भजन अच्छा लग रहा है, भक्त जाए नहीं झांक, इस भजन के बाद बड़ी सुंदर झांकी है, अभी आ जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की, जो जो अपने पापा से प्यार करते हैं जरा हाथ उठाएं एक बार, जिनको जिनको भजन अच्छा लग रहा है जरा जोर से जयकार। बोली सच्चे दरबार की, सुनिए ये बेटी है अपने माँ बाप को याद करके रो रही है। सुनिए, एक बेटी ना पिता के सबसे करीब होती है, क्योंकि बिटिया जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, पापा मैं तेरी मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे पापा। जब हमारे पापा थोड़ी ही देर के लिए हमसे दूर जाते हैं तो बेटी कहती है पापा, उंगली पकड़ के तुमने चलना सिखाया था ना, दहलीज दर्द की पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरों दिलबरों, अगर वाकई में आनंद आया है तो एक बार दोनों हाथ की ताली हो जाए।